गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेके, खालसा का नाम लेके सनातन के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, ये सिख नहीं हो सकते। भारत और सनातन एक है। जो सनातन का नहीं हो सकता वो भारत का नहीं हो सकता, जो भारत का नहीं हो सकता वो सनातन का नहीं हो सकता। हमें पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हम जस्टिन ट्रूडो से लड़ लेंगे, लेकिन कुछ ट्रूडो हमारे देश में ही बैठे हैं। दुनिया के जितने धर्म है, ये धर्म नहीं है तो पंथ है, धर्म तो सनातन है। संतों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और जिनमें लड़ाई झगड़ा होता वो संत नहीं होते। संत सबको प्यार करते हैं। ये गलत खबरें हैं, तुम देखना मकर संक्रांति पे सारे एक जात खिचड़ी खाएंगे। जो लोग गुरु गोविंद सिंह जी का नाम लेके, खालसा का नाम लेके सनातन के मंदिरों पर हमला कर रहे हैं, ये सिख नहीं हो सकते। और जो सिख है वो सनातन पर हमला नहीं कर सकता। सिख तो हमारे सिर के ताज है, सिख तो सनातन के शिरोमणि है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तमाम गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, शीश कटाए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया, लेकिन सनातन पे आंच नहीं आने दी। ये तो आतंकवादी है। जो सनातन पे हमला कर रहा है वो भारत पे हमला है, क्योंकि भारत और सनातन एक है। जो सनातन का नहीं हो सकता वो भारत का नहीं हो सकता, जो भारत का नहीं हो सकता वो सनातन का नहीं हो सकता। इसलिए वहां जो बैठे हैं वहां के मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सनातन को मिटाने की कोशिशें बहुत हुई, सनातन नहीं मिटा। ये देश को तोड़ने के, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनका साथ ना दें हम उन, लेकिन हमें पूरा यकीन है नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हम जस्टिन ट्रूडो से लड़ लेंगे, लेकिन कुछ ट्रूडो हमारे देश में ही बैठे हैं। भारत की संसद में भी कुछ ट्रूडो मौजूद हैं, इनसे लड़ना है। असली लड़ाई इनसे है, जो भारत में बैठ करके भारत को तोड़ना चाहते हैं। श्री मुंह पर रोक लगा दी थी कुंभ मेले में, मौलाना कह रहे हैं कि ये रोक हटनी चाहिए, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो अपने घर कारज करता है निमंत्रण वो ही बांटता है। अखाड़ा परिषद का संबंध कुंभ से है, कुंभ के आयोजनकर्ताओं में अखाड़ा परिषद है। तो अगर अखाड़ा परिषद, जिसका घर है, जिसका कारज है, पर्व है, यदि वो किसी को नहीं बुलाना चाहता तो बिना बुलाए मेहमान क्यों बनना चाहते हैं कोई? ये सवाल ही इररिलेवेंट है। हाँ, सनातन का जहां तक सवाल है तो सनातन सबका है, पूरे विश्व का धर्म सनातन है। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। सनातन सबका है। कोई किसी तरह से पूजा करो, कोई किसी तरह से प्रार्थना करो, लेकिन सब हैं तो सनातन ही ना। दुनिया के जितने धर्म हैं, ये धर्म नहीं है तो पंथ है, धर्म तो सनातन है। और सनातन की महिमा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये मानता है कि उनकी जीत में सनातन का रोल है। तो सवाल ये है कि सनातन को जो मिटाने की कोशिश की गई वो सफल नहीं हो सकती हैं और ना सफल होंगी। कुंभ हमारा बहुत बड़ा आयोजन है, हमारी आस्था का विषय है। अखाड़ा परिषद अगर ये फैसला लेता है तो फिर सबको मानना चाहिए।